आज उसी समय क्या हुआ, उस युद्ध में बताया जाता है कि 11वें दिन जब युद्ध हुआ तो ये शिखंडी पहुंचा है, तो बाबा भीष्म ने उस दिन धनुष को नहीं छुआ। बताया था अर्जुन के द्वारा बाबा भीष्म के शरीर में इतने बाण डाल दिए हैं कि बाबा भीष्म सही सैया पर। या कुछ विद्वानों का मत है कि 190 बाण अर्जुन ने बाबा भीष्म में दिए हैं और 2 बाण तब दिए हैं जब उनको तकिया की जरूरत पड़ी है, यानी इस प्रकार 192 बाण बाबा भीष्म के शरीर में अर्जुन ने भेद दिए। इधर बताया जाता है कि अर्जुन का यानी शाम का समय हुआ है, युद्ध विराम हुआ, तो जहां बाबा भीष्म से सैया पर पड़े हैं अर्जुन पहुंच गए, सभी पांडव पहुंचे हैं भगवान कन्हैया के साथ में, तो बाबा भीष्म हाथ जोड़ करके बोले, प्रभु मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरी ये दशा क्यों हुई, ऐसा मैंने कौन सा पाप किया था जो मेरी ये दशा मुझे आज बाणों की सैया मिली है। तो भगवान कन्हैया बोले, बाबा जी आपको याद नहीं है कि आपके पुराने कर्म हैं जो ये बाणों की सजा आपको मिली है। तो बाबा भीष्म बोले, 101 जन्म तो मुझे याद है, 101 मुझे याद है। तो कन्हैया बोले, 101 ही तो याद है, 102 तो कंप्यूटर मेरे देखो है कि तुमने क्या किया। तो बताया जाता ये बाबा भीष्म पूर्व जन्म में एक राजा हुए, तो ये मार्ग से निकल के जा रहे थे, मार्ग से जब निकल के जा रहे थे तो उन्होंने मार्ग में देखा एक कुचलैड रूपी सर्प पड़ा है, तो उन्होंने सोचा कि रथ के नीचे दब ना जाए, मर ना जाए, तो इन्होंने बाण एक लिया है उसको उठाया पीछे की तरफ फेंक दिया। लेकिन इन्होंने पीछे मुड़कर ये नहीं देखा कि ये सर्प गया तो किधर गिरा। बताया जाता है कि पीछे थी बंगूर और उसके कांटों पर जाकर कि ये सर्प गिरा तो इसके 190 कांटे घुसे हैं, और जब ये ज्यादा फड़फड़ाया है तो इसके 2 कांटे और घुसे हैं 192। तो इस सर्प ने कही थी जैसे मेरी दशा है वही तुम्हारी होगी। यानी यहाँ एक विद्वान लिख रहा है, अरे बाबा भीष्म बोले, सही कह रहे हो कन्हैया, आज मेरी जो दशा है इसका मैं ही कारण हूं। क्यों? क्योंकि मैंने